दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खास पोएट की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, जॉन कीट्स। दोस्तों, जॉन कीट्स ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर के लेट रोमांटिक पोएट थे, सेकंड जनरेशन के पोएट थे, पीबी शेले और लॉर्ड बायरन की तरह। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये अपने टाइम के इतने क्लासिक पोएट थे कि इन बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, और इनकी डेथ के बाद लोगों ने इनको पहचाना कि ये कितने क्लासिक पोएट थे, एक तरह से लेजेंड थे। मैं आपको बता दूं, आज इनकी बायोग्राफी को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं कीट्स के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। जैसे वर्ड्सवर्थ की पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, पिछले कुछ दिनों पहले मैंने वर्ड्सवर्थ पर वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो काफ़ी पसंद आई आप लोगों को। तो दोस्तों, इसमें भी मैं अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा जॉन कीट्स को। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में। ये अपने माँ बाप के सबसे बड़े बेटे थे। इनकी स्कूलिंग हुई थी एंसफील्ड नाम की जगह पर, और बाद में वहीं इनकी एक लड़के से दोस्ती हो गई जिसका नाम था चार्ल्स कॉर्डन, जो कि एक स्कूल टीचर का बेटा था। और जॉन कीट्स के सारे दोस्त जानते थे कि जॉन कीट्स पढ़ाई के लिए कितने पैशनेट थे। बहुत ही कम उम्र में कीट्स ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, पहले फादर और फिर माँ को। 15 साल की उम्र में इन्होंने अपनी माँ को खो दिया था, और बहुत कम उम्र में फादर की एक्सीडेंट से डेथ हो गई। अब कीट्स पहले एक सर्जन बनने वाले थे, यानी कि जो सर्जरी करते हैं सर्जन, तो वो बनने वाले थे, मेडिकल की पढ़ाई की थी इन्होंने। तो वो एक सर्जन बनते बनते एक पोएट कैसे बन गए? तो पहले इन्होंने एडमंटन में मेडिकल की पढ़ाई की, और उसके बाद 1815 से 1817 आते आते ये लंदन के हॉस्पिटल्स में अपनी स्टडीज़ कर रहे थे। लेकिन फिर भी कीट्स का दिल बार बार इनसे कह रहा था कि तुम ये सब करने के लिए नहीं बने, तुम एक पोएट बनने के लिए पैदा हुए हो। फाइनली इन्होंने इतने साल मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद लिटरेचर के लिए उसे छोड़ दिया, और कीट्स के उस टाइम पर एक दोस्त थे ली हंट नाम के, उनकी मदद से वो लिटरेचर में आ गए और लिटरेचर को एंजॉय करने लगे। इस टाइम पर मैं आपको बता दूं, कीट्स के दोस्त थे ये ली हंट, इनका बहुत ही इन्फ्लुएंस था कीट्स पर। तो शुरुआती इन्होंने अपनी कुछ सोनेट्स लिखी, इनकी मदद से, ली हंट की मदद से एक द एग्जामिनर में उन सोनेट्स को पब्लिश करवाया कीट्स ने। लेकिन अफसोस, उन सोनेट्स ने रीडर्स को कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया खास। कीट्स के उस वक्त के जो शुरुआती वर्क्स थे वो सिर्फ उनके फ्रेंड्स को पसंद आते थे, बाकी लिटरेरी वर्ल्ड में कीट्स पर अटैक हो रहे थे, क्योंकि सारे के सारे उस वक्त कीट्स को एक नौसिखिया समझते थे। लोग कीट्स को बिल्कुल छोड़ते नहीं थे, बहुत ही बुरा बुरा लिखते थे, और कीट्स उनकी सब बातों को दिल पर ले लेते थे। बीमारी ने तो कीट्स को कम परेशान किया, बल्कि उनके क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। लेकिन फिर भी कीट्स रुकने वाले नहीं थे, उनको दुनिया की परवाह नहीं थी, वो तो मानते थे कि हम तो लिखेंगे। कीट्स को 1817 के वर्क्स के लिए बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन 1818 में फिर से इन्होंने अपने वर्क्स को पब्लिश किया। इसलिए मैथ्यू आर्नोल्ड ने कीट्स के लिए कहा है कि कीट्स एक आग जलाने वाला पत्थर था और एक आयरन था। अभी एज अ पोएट कीट्स ने अपना करियर शुरू ही किया था, लेकिन कीट्स के भाई टॉम, कीट्स का भाई था टॉम, उसकी 3 महीने केयर की थी कीट्स ने। साल 1818 दिसंबर के महीने में कीट्स के भाई टॉम की ट्रेजिकली डेथ हो गई, और अपने भाई की डेथ से कीट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए। अब बिगड़ती हुई हेल्थ, ऊपर से क्रिटिक्स का अटैक, भाई की डेथ, इस बीच इन्हें एक लड़की से प्यार हुआ जिसका नाम था फैनी ब्राउन। बहुत पैशनेटली कीट्स उस लड़की से प्यार करते थे, फैनी ब्राउन से, लेकिन शायद वो उतना पैशनेटली कीट्स को प्यार नहीं करती थी। तो दुख बहुत था ज़िंदगी में, चारों तरफ से हालत ख़राब थी, ऊपर से ख़राब हेल्थ, ट्यूबरक्लोसिस था कीट्स को, यानी कि टीबी की बीमारी थी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कई सारे स्कॉलर्स मानते हैं, कई सारे लोग मानते हैं कि फैनी ब्राउन कीट्स से शादी करने के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन कीट्स ने उनसे शादी नहीं की। वो मानते थे कि एक तो मैं गरीब हूँ, ऊपर से मेरी हेल्थ ख़राब, तो मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। इस बीच कीट्स की लाइफ के 2 साल ऐसे थे जो उनके लिटरेरी करियर के लिए बहुत ही स्पेशल हैं, 1819 और 1820। ये 2 साल कीट्स की लाइफ के बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि फैनी से प्यार में पड़ने के बाद उन्हें एक नई एनर्जी आई। उन्होंने 1819 बहुत ही ज़रूरी साल है कीट्स की लाइफ का, उन्होंने 1819 में अपनी लाइफ की सबसे फेमस ओड्स को लिखा, जैसे ईव ऑफ सेंट एग्नेस। ये कीट्स का सबसे पहला मैच्योर वर्क माना जाता है, ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ओड टू ऑटम, ओड टू अ नाइटिंगेल, ऑन अ ग्रीसियन अर्न, और एक बैलेड भी लिखी थी। तो ये सारे वर्क्स आज मास्टरपीस माने जाते हैं। पीबी शेले कीट्स के हाइपीरियन से बड़ा इंप्रेस हुआ था, उसने कीट्स को अपने पास आकर रहने के लिए इनवाइट किया, लेकिन कीट्स ने मना कर दिया। दोस्तों, शेले कीट्स का पहला ऐसा कंटेम्प्रेरी था जिसने कीट्स के टैलेंट को अच्छे से पहचाना।
कीट्स को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा डर लगता था मौत से। एक बीमारी जो कीट्स की पूरी फैमिली को खा गई, उनकी माँ को, उनके भाई को, ट्यूबरक्लोसिस, उससे कीट्स भी जूझ रहे थे। अपने पोएम्स के अंदर कीट्स ने अपने इस डेथ के डर के बारे में लिखा है। 1820 में कीट्स के डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपकी लंग्स बहुत कमज़ोर हो गए हैं और इंग्लैंड की आने वाली सर्दियां बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो आप इटली चले जाओ, वहां का माहौल थोड़ा सा गर्म है। तो सितंबर 1820 में कीट्स अपने दोस्त जोसेफ के साथ में इंग्लैंड से इटली चले गए। 1821 फरवरी का महीना कीट्स की रोम में डेथ हो गई और मरने से पहले इन्होंने कहा था कि मेरी कब्र पर मेरा नाम मत लिखना, बल्कि उन्होंने खुद चूज़ किया था कि क्या लिखना है। उन्होंने कहा था कि मेरी कब्र पर मेरा नाम मत लिखना, बल्कि ये लिखना कि यहाँ वो लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पर लिखा हुआ था। बहुत ही कम उम्र में मरने वाला ये पॉइट इंग्लिश लिटरेचर पर अपनी गहरी छाप छोड़ गया। तो अब हम कीट्स के कुछ वर्क्स पर नज़र डालते हैं। कीट्स ने अपने पोएटिक करियर की शुरुआत की थी साल 1817 से, जब वो एक जवान लड़के थे। तो एक छोटा सा कलेक्शन उन्होंने पब्लिश करवाया था जिसमें कीट्स की ये पोएम्स थी। और मैंने आपको बताया कि इन पोएम्स को पब्लिश करवाने के बाद कीट्स को बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा कि बहुत ही बचकाना लिखता है, बहुत चाइल्डिश लिखता है। लेकिन इसी के अगले साल 1818 में कीट्स ने एंडीमियन नाम की पोएम को पब्लिश किया। और आपने कीट्स की एक बहुत ही फेमस लाइन कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनी होगी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। वो लाइन कीट्स ने इसी पोएम के अंदर शुरुआती लाइन दी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये पोएम चार बुक्स में है और पहली ही बुक की पहली ही लाइन है ये। और इसके बाद साल 1819 और 1820 में कीट्स की लाइफ के जो सबसे बेस्ट साल थे उनके करियर के लिए, जिसमें कीट्स ने ये वर्क्स लिखे। और इन सब वर्क्स के अलावा कीट्स ने अपनी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल सोनेट्स भी लिखी। और इन सब सोनेट्स के अलावा एक सोनेट ऐसी भी थी जिसमें कीट्स ने अपने मौत के दर्द को बयां किया है। उस सोनेट का नाम है आई हैव फियर्स दैट मे सीज। इस सोनेट को कीट्स ने शेक्सपियरियन फॉर्म में लिखा है। और इसके अलावा कुछ वर्क्स जिनको वो पूरा नहीं कर सके, जैसे द ईव ऑफ सेंट मार्क और ऑथो, जो कि कीट्स का एक पोएटिक ड्रामा था। अब बात करते हैं कीट्स की इंस्पिरेशन कौन कौन थे। सबसे पहले तो एडमंड स्पेंसर से वो जितना प्रभावित थे शायद ही किसी और से रहे होंगे, चौसर और मिल्टन। इन तीनों ने सबसे ज़्यादा कीट्स को इन्फ्लुएंस किया। इसके अलावा उनके खुद के दोस्त शुरुआती पोएटिक करियर के ली हंट। माना जाता है कि कीट्स अगर कुछ साल और ज़िंदा रह लेते तो पोएट्री लिखने में वो शेक्सपियर के लेवल तक पहुँच सकते थे। और मैथ्यू आर्नोल्ड ने तो कीट्स के लिए कहा भी है, ही इज़ विथ शेक्सपियर। क्योंकि सोचो, जिस आदमी ने अपनी लाइफ के 3 साल सिर्फ पोएट्री लिखने और पब्लिश करवाने में सिर्फ 3 साल दिए, वो अगर थोड़ा टाइम और ज़िंदा रह लेता, उसकी लाइफ में उसको थोड़ा टाइम और मिल जाता, तो वो और क्या क्या कर सकता था। लेकिन फिर भी 1817 में जो कीट्स के वर्क्स पब्लिश हुए थे उनको देख कर मजाक बनाने के लिए एक वर्ड यूज़ किया था उनके लिए, कॉकनी। कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री से हैं कीट्स, ऐसा मजाक उड़ाने के लिए कीट्स के लिए वो उनको बोलते थे कि कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री से है ये। कीट्स के टैलेंट को पहचानने वाला उनका सबसे पहला कंटेम्प्रेरी था शैले। शैले ने कीट्स के टैलेंट को पहचाना, वो कीट्स को बहुत मानता था। इसके बाद कीट्स का फर्स्ट मैच्योर वर्क पब्लिश हुआ, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। इसमें दोस्तों आप देखोगे ये ईव ऑफ सेंट एग्नेस के अंदर आपको दिखेगी मिडाइवल थीम, यानी कि कीट्स पर मिडल एजेस का भी काफ़ी जादू था, स्पेशली होमर का। वो होमर को पढ़ना जरूर चाहते थे लेकिन वो पढ़ नहीं सकते थे, वो ट्रांसलेशन ही पढ़ते थे। जैसे अलेक्जेंडर पोप ने ट्रांसलेट किया हो किसी चीज़ को तो वो उसको पढ़ते थे, क्योंकि उनको ग्रीक लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती थी। बहुत शौक था उनको होमर को पढ़ने का। तो ईव ऑफ सेंट एग्नेस में आपको मिडाइवल थीम्स मिलेंगी, मिडाइवल टच डालने की कोशिश करते थे अपनी पोएम्स के अंदर। जैसे ईव ऑफ सेंट मार्क, जिसको कीट्स पूरा नहीं कर सके थे, उसमें भी आपको मिडाइवल टच मिलेगा। होमर के भी बहुत बड़े फैन थे कीट्स। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि सबसे ज़्यादा कीट्स पर प्रभाव था एडमंड स्पेंसर का, वो एडमंड स्पेंसर के बहुत ग्रेट फॉलोअर थे। और एक चीज़ जो कीट्स को उनके कंटेम्प्रेरीज से अलग बनाती है वो ये है कि जहाँ वर्ड्सवर्थ अपनी पोएट्री में सुधार ला रहे थे, मतलब पोएट्री लिखने के तरीके में सुधार ला रहे थे उस टाइम के, और स्कॉट कहानियाँ सुना रहे थे, शैले नेचर में फैक्ट्स ढूंढ रहा था, साइंस को नेचर से जोड़ रहा था, वहाँ कीट्स को नेचर में सिर्फ ब्यूटी दिखती थी।
वो बोलते थे उनके हिसाब से, ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ, सच ही सुंदरता है और सुंदरता ही सच है। इस वीडियो को खत्म करते करते एक बात मैं आपको कीट्स के बारे में और बताना चाहूँगा। उनको सेंसुअस पॉइंट कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि इंसान की 5 सेंसेस होती है, टच, टेस्ट, स्मेल, साइट और हियरिंग। जो वो टच करके महसूस करता है किसी चीज़ को, टेस्ट करके, स्मेल करके, देखकर, सुनकर, ये 5 सेंसेस होती है। तो कीट्स नेचर को इन्हीं 5 सेंसेस से उसकी ब्यूटी को फील करते थे और वही लिखते थे अपनी पोएम में। इसलिए कीट्स को सेंसुअस पॉइट भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है।